बंटी की नौकरी है, अच्छा घर है, जो तंगी मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा परिवार है, बंटी की दो बहनें और माँ है, पिताजी थे नहीं। ससुराल में राज करूंगी, कुछ दिन बहुत अच्छे बीते, मगर एक दिन पता चला कि बंटी की नौकरी छूट गई, सारे सपने हवा हो गए। अब हम क्या करें बंटी, कहाँ से खर्चा चलेगा? अभी तुम्हारी दो जवान बहनें भी कुंवारी हैं, उनकी भी शादी करनी पड़ेगी, कैसे होगा सब? क्या करूं टुटुनी, कंपनी घाटे में चल रही थी इसलिए बंद हो गई, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दो साल बीत गए मगर बंटी को कहीं काम नहीं मिला, जो जमा पूंजी थी उससे बहन की शादी कर दी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी को एक बेटी हुई, टुनटुनी की चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। बंटी अब हमारी बेटी हो गई है, अपनी इच्छाएं तो मैं मार दे लूं, पर बच्चे की जरूरतें वो तो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। जानता हूँ, कोशिश कर तो रहा हूँ। और एक साल बाद टुनटुनी ने एक और बेटी को जन्म दिया। बंटी की माँ बोली, बंटी तेरी एक बहन की शादी तो हो गई, मगर बेटा अभी दूसरी भी है, उसका क्या होगा? माँ ये घोंसला बेच देते हैं, कुछ दिन किराए पर रह लेंगे, मैं क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ पर कहीं काम मिल ही नहीं रहा। बंटी बहनों के लिए आप मकान बेच रहे हो, हमारी भी दो बेटियाँ हो गई है, उनके लिए क्या बेचोगे? टुनटुनी मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम क्या सोचती हो कि मैं अब ठेला लगाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा। टुनटुनी रोने लगी और बोली, बच्चों के 10 रुपए के अनाज के लिए भी तरसती रहूं? दोनों बच्चे दाने के लिए रोती रहती है, क्या पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकती हूँ, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। टुनटुनी बहुत दुखी रहने लगी। कुछ समय बाद घर बेचकर दूसरी बहन की शादी भी हो गई। अब तो रोज ही बंटी और टुनटुनी के बीच में लड़ाई रहने लगी। एक दिन बेरोजगारी से तंग आकर बंटी ने आत्महत्या कर ली, टुनटुनी के सारे सपने टूट गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अब जिम्मेदारी टुनटुनी के सर पर थी, बूढ़ी सास अपनी दो बेटियाँ और घोंसले का किराया, कुछ आसपास के पक्षी गरीब समझकर बच्चियों को पुराने कपड़े और खाना देकर मदद कर दिया करते थे। टुनटुनी अपनी सास से बोली, माँ 2 महीने गुजर गए, जो घर का पैसा बचा था वो सब खर्च हो गया, अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारे दिन कट रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्चियाँ भी गरीबी में दिन गुजारे। मगर तू करेगी क्या बहू, अपना कुछ काम करने के लिए पैसे भी तो चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई तो मदद कर ही देगा। टुनटुनी ने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, पर किसी ने कोई मदद नहीं की। सब ये सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, कहाँ से चुकाएगी। मायके से भी किसी तरह की कोई मदद नहीं मिली। टुनटुनी निराश हो गई और दुखी होकर रोने लगी। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने पैसों में क्या काम करूं? एक दिन उसे उसके ही जंगल का एक चिड़क गोलू मिला। वो टुनटुनी की शादी से पहले टुनटुनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन उससे कभी कुछ कह नहीं पाया था। अरे टुनटुनी कैसी हो तुम, और यहाँ कैसे, और ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? गोलू मैं ठीक हूँ, यहाँ पास में ही मैं किराए पर रहती हूँ। मगर पति तो नौकरी करते थे, फिर किराए पर कैसे? मेरे पति नहीं है, नौकरी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपए है, उसमें मुझे घर का खर्चा भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है और मेरी दो बेटियाँ भी है, कोई सहारा नहीं है, सबने साथ छोड़ दिया, कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में कोई काम? इतनी चिंता मत करो टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। गोलू से चूड़ियों की थोक रेट वाली दुकान पर ले गया। ये मेरी ही दुकान है टुनटुनी, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए ये 1000 रुपए की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रेट में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपए दर्जन बेचना, ये बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, पहले कम बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 30 रुपए दर्जन बेचना। टुनटुनी बहुत खुश हुई, उसकी सारी परेशानी का हल जो उसे मिल गया था वो चूड़ियाँ बेचने लगी। चूड़ी लो चूड़ी।
चूड़ियाँ बेचती और बीच बीच में आकर अपनी बेटियों को भी देख लेती। आसपास के पक्षी उसे गरीब समझकर मोल भाव भी नहीं करते। सबको उसकी चूड़ियाँ पसंद आने लगी और उसकी खूब बिक्री होने लगी। चूड़ियाँ तो टुनटुनी के पास ही सुंदर होती है, उसी से खरीदेंगे। तीज त्योहार पर और शादियों में चूड़ी पहनाने के लिए उसे ही बुलाया जाता था, जिसको उसकी कमाई अच्छी हो जाती थी। इस तरह एक साल गुजर गया। टुनटुनी के अच्छे दिन आने लगे। टुनटुनी गोलू से बोली, गोलू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं आज अपनी गृहस्थी चला रही हूँ, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ये तो तुम्हारी मेहनत है टुनटुनी, मैंने कुछ नहीं किया। जितनी मेहनत करोगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। इसलिए कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।